गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ घर में रहोगे तो ठीक ही रहोगे ना, है ना? सो प्रीवियस क्लास का याद है क्या पढ़ा था हमने? अब तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन चुके हो, पढ़ने वाले बच्चे बन चुके हो, तो आपको सब याद ही रहता है कि क्या पढ़ा था हमने, है ना? सो प्रीवियस क्लास में हमने कविता नहीं पढ़ी थी ना, तो आज क्या करेंगे हम? सबसे पहले कविता पढ़ेंगे, ठीक है? कविता आपको कौन सी पढ़ाई थी मैंने? मोर, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो मैंने आपको मोर वाली कविता पढ़ाई थी। लेकिन आज हम मोर कविता पढ़ने से पहले एक और कविता कौन सी पढ़ेंगे? गधा। कौन सी? गधा, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ाई है और शायद एक या दो बार ही पढ़ाई है, इसलिए आज इसको एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, फिर मोर कविता पढ़ेंगे, है ना? ओके, सो स्टैंड अप ऑन योर प्लेस, अपनी प्लेस पर खड़े हो जाइए और जैसे मैडम कर रहे वैसे आपको भी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ढेचू ढेचू क्यों करते हो, मुझसे इतना क्यों डरते हो? किसने दिया ये नाम तुम्हारा, बोझा ढोना काम तुम्हारा, है ना? एक बार फिर से पढ़ते हैं। ओके, ढेचू ढेचू क्यों करते हो, मुझसे इतना क्यों डरते हो? किसने दिया ये नाम तुम्हारा, बोझा ढोना काम तुम्हारा, है ना? ये कविता हमने पढ़ ली है और नेक्स्ट कविता हमारी कौन सी थी? मोर। कौन सी कविता थी? मोर। और मैंने आपको बताया था कि जब बारिश होती है तो मोर नाचता है ना? तो चलो अब मोर वाली कविता पढ़ते हैं। ओके, रंग बिरंगे कपड़े पहने, मचा रहा क्यों इतना शोर? पीपल की डाली पर बैठा, कितना सुंदर बोले मोर। इसके सिर पंखों का ताज, भारत का यह पक्षी राज, है ना? तो एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है? रंग बिरंगे कपड़े पहने, मचा रहा क्यों इतना शोर? पीपल की डाली पर बैठा, कितना सुंदर बोले मोर। इसके सिर पंखों का ताज, भारत का यह पक्षी राज, है ना? आया मुझे? हाँ, मुझे पता है जब कविता पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं तो आपको बहुत मजा आता है ना। सो उसी मजे के साथ अब हम स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे और फिर स्वर का अगला अक्षर लिखेंगे, ठीक है? सो आज मैं आपको स्वर पढ़ाती हूँ। चलो मैं आज आपको लिख कर बताती हूँ पहले। देखिए, स्वर का पहला अक्षर कौन सा होता है? अ। कौन सा होता है? अ। ये देखिए, स्वर का पहला अक्षर होता है अ। कैसे पढ़ेंगे हम इसे? अ। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज आ। ई। 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 V
ए आई ओ आउ अम एंड लास्ट वन इज अह ओके सो एक बार मेरे साथ आप बोलिए इसे अ आ अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अम आगा ठीक है। आज हमने स्वर लिखे हैं और आपको इसी तरीके से इनको बोलना है और इसी तरीके से इसको लिखना है ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेटर कौन सा है अब हम स्वर लिखेंगे ठीक है। स्वर का हम अक्षर लिख चुके थे प्रीवियस क्लास में री री से ऋषि होता है ठीक है। तो री हम लिख चुके हैं अब हम क्या लिखेंगे ए क्या लिखेंगे ए ए ए ए ठीक है। कौन सा अक्षर लिखना सीखेंगे हम आज ए और ए से क्या होता है एडी ठीक है। आपको ये पूरा पेज भर के बहुत अच्छे से लिखना है और मैम हमेशा बताती है कि अक्षर के ऊपर लाइन बनाना ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्वर पढ़े दो कविताएं पढ़ी मोर और गधा और स्वर के कौन सा अक्षर लिखना सीखा हमने ए ठीक है। आज हम ये तीन चीज की है ये तीनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से करना है और सीखना है ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर ओके तब तक के लिए।